धार्मिक नगरी ओरछा में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव जी की स्मृति के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भाजपा जिला अध्यक्ष अभय यादव एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेश केवट द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, जिसमें कवियों ने अनेकानेक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय रिटायर्ड शिक्षक एवं कवि गणेश प्रसाद दुबे तथा शिक्षक मुकुंद हरि गोस्वामी एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रामदयाल अहिरवार का शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि सुमित मिश्रा ने किया। ओरछा से SRE बुलेटिन पर हरीश महाराज की रिपोर्ट। आगामी जो परीक्षाएं आयोजित हो उनमें उनका चयन हो और हमारे ओरछा का नाम रोशन करें। जो शेष हमारे युवा हैं, 4 और हैं, वो एक दो दिन में हमारे बीच में होंगे। अगर ओरछा महोत्सव के दौरान आए तो हम उनका भी स्वागत करें। सुन रहे, निवेदन करता हूँ कि हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हम रंग में हैं वो जंग में हैं, हिंदू मुस्लिम सब संग में हैं, इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में हैं, इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में हैं, सीमाओं पे सम्मुख जिनके सीमाओं पे सम्मुख जिनके जहाँ क्षण गोली होती है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है, हम रंग में हैं वो जंग में हैं। मैं 4 पंक्तियां खड़ी करता हूँ कि थोड़ी है वो कविता है जिसके स्वरों में आरती सजाई जाती है, वो कविता है जिसके स्वरों में आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम में भी आपकी तालियां कवि सम्मेलन के मयार के मुताबिक नहीं बजी है। मैं कोशिश करता हूँ इन कवियों को कहीं ऐसा ना लगे कि कविता सुनने वाले लोग नहीं आए। दिवाली चल रही थी, उसी से संबंधित छोटा सा आलेख है। हिंदी साहित्य के इतिहासकार एवं हिंदी काव्य के ख्यातनाम समालोचक आचार्य श्री रामचंद्र जी शुक्ल ने महाकवि केशव के काव्य की आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला, वह हृदय ही कभी दीप ये जलता रहेगा, दीप यह जलता रहे, इसके लिए हम दीप प्रज्वलित करके ज्ञान का दीप जलता रहे, समर्पण का दीप जलता रहे, संस्कृति का दीप जलता रहे, इसलिए हमारी परंपरा है कि हम दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। महाकवि केशव जी की प्रतिमा, महाकवि केशव जी के चित्र पर हम हमारे अतिथिगण, माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय मुख्य वक्ता श्री मुन्ना तिवारी जी, पुष्पांजलि माल्यार्पण अर्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और आप और हम इस कार्यक्रम का के साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे आज के कविगण कवित्री भी हमारे बीच में कुछ ही मिनटों में उपस्थित होने वाली है, हम उनका भी स्वागत करेंगे और हमारे कवि श्री राजेंद्र विधवा जी हमारे बीच में उपस्थित हो ही चुके हैं।